देखिए, पेस आईटी और मेडिकल ये वो नाम है जो 25 सालों से साउथ इंडिया में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, साथ में ओलंपियाड के लिए देती आई है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, पेस आईआईटी मेडिकल की शुरुआत पटना में हो चुकी है। पेस साउथ इंडिया का सबसे बड़ी टीचिंग संस्थान है और पेस के साथ आज पटना की तीन टीचिंग संस्थान इंक्लोजिंग हुए हैं। तीनों कोचिंग संस्थान का नाम है राइज और शिखर सिवाय। तीनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। तीनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। पेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, पेस आईटी और मेडिकल ये वो नाम है जो 25 सालों से साउथ इंडिया में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, साथ में ओलंपियाड के लिए देती आई है। हम ऑथेंटिक रिजल्ट्स के लिए जाने जाते हैं। हमारे बच्चे आज मल्टीनेशनल कंपनीज और एब्रोड में अच्छे जगहों पे काम कार्यरत हैं। आप कहीं भी आप जाके देखिए, कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, जो एक सीईओ जो हमारे ट्विटर के थे पराग अग्रवाल, वो हमारे प्रोडक्ट रहे हैं। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेस से हमारी कंपनी किस लेवल तक बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो हमारा पूरा प्रयास क्वालिटी कंटेनिंग टीचिंग, वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल, स्टेप अप, गेमिफाइड लर्निंग के साथ बच्चों को एक्यूरेट पढ़ाई देना, इस एम्बिशन के साथ बिहार के बच्चे बाहर पलायन ना करें, बिहार के अंदर ही वो अंडर 10 रैंक तक पहुंचने का प्रयास करें, इस सोच के साथ पटना लॉन्च हुई है, बिहार में लॉन्च हुई है पेस आईटी और मेडिकल। जो बच्चे बाहर जाते थे आईटी करने के लिए, यानी कोटा जाते थे और भी इंटरेस्टेड जाते थे, उन लोगों के लिए क्या है? देखिए, बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? या तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस लेवल को मैच नहीं कर पाते हैं, वो संस्था या वहाँ का परिवेश उस चीज़ को मैच नहीं करा पाता है, जिस कारण से बच्चे वहाँ तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बाहर माइग्रेट करते हैं। बिहार में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिभा की कमी है, बच्चे कूट कूट के उनके अंदर प्रतिभा भरी हुई है, और ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं वो बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इस कारण से वो अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस पढ़ाई को वो टारगेट बेस समझते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई एक टारगेट है, इसको अचीव करना है, और वहां पे बच्चे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो पेस आईटी और मेडिकल इस उद्देश्य से पटना लॉन्च हो रहा है कि बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट के साथ पैम्पर्ड होकर अपनी एनर्जी का 100% यूटिलाइजेशन करते हुए वो उस मुकाम पे पहुंचे जहां वो पहुंचने के लायक है। देखिए, हमारा जो पेस ऑर्गेनाइजेशन है, पेस आईटी और मेडिकल, उसके हमारे जो डायरेक्टर सर है, उनका सीधा सीधा सोच रहा है ये है कि मेधावी बच्चों को कभी पैसे की कमी के कारण से उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इस कड़ी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एस ऑफ पेस इंडिया टैलेंट हंट एग्जामिनेशन को शुरू किया है, और ये 24 दिसंबर 2023 को बिहार में पहला फेज, और दूसरा फेज जो हमारा होगा बिहार में वो 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसमें अब आपको बता दें कि 100 मेधावी बच्चे जो होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको फूडिंग लॉजिंग के साथ उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी, और वैसे बच्चे जिनके पास जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ऊपर का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, जिसके थ्रू हमारे बच्चे जिनमें मेधा है वो पैसे के कारण से पढ़ाई में कहीं भी वो भटकने वाले नहीं है, उनको उस लेवल तक वो जरूर जाएंगे, हर वो चीज उनको मिलेगा जिसके लिए वो मतलब जिसकी चाहत वो रखते हैं। पेस आईटी और मेडिकल बच्चों को क्वालिटी कंटेनिंग एडुकेशन देने के लिए कटिबद्ध था, है और भविष्य में भी रहेगा। वो बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको वो मिला है, वो जेमस्टोन मिला है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। सर, आप पेस के साथ मर्ज किए हैं, क्या कारण रहा आपके साथ, आखिर पेस ही क्यों चुनी? नहीं, हमने देखा कि पेस एक नेशनल ब्रांड है और 25 सालों से देश में इसने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। साथ ही साथ पेस का जो टीआरपी है वो उसका बेस्ट एकेडमिक सिस्टम, इनका एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी, इनका वर्ल्ड क्लास स्टडी पैकेज और स्टेप ऐप जो कि गेमिफाइड लर्निंग का ऐप है, ये इन सारी चीजों से बच्चों को रिजल्ट देने में काफी ज्यादा सहूलियत और मदद होती है, और इसीलिए हमने पेस का चुनाव किया। और हमारा पूरा यकीन है कि बच्चों के साथ मिलकर के बिहार में शिक्षा के जगत में जरूर क्रांति लाएगा। सर, पेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों को जो लोग पेस के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं? बहुत पुरानी संस्थान है, 25 साल से काम कर रही है, तो एक अच्छी मेथोडोलॉजी के साथ है,
एक अच्छे एग्जीक्यूशन प्लान के साथ काम करती है। तो जो बच्चे बिहार में तैयारी करना चाहते हैं और जो बिहार से बाहर भी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में रहें, काम करें, पढ़ें अच्छे से, और साथ में जब परिवार के साथ रहते हैं, आप अपने परिवेश में रहते हैं, तो आपकी तैयारी को एक अलग एज मिलता है। आप जब कोटा जाके रह रहे हैं या किसी और सिटी में जाके रह रहे हैं, तो आपके ऊपर एक अलग स्ट्रेस और बना रहता है कि रहना है, खाना है, ये करना है, जबकि आप जब अपने परिवेश में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें यहीं पे मिल जाती हैं और बहुत सारा आपका काम कोई और कर रहा होता है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे समझे इस बात को कि यहाँ रहना चाहिए, यहीं काम कर, यहीं पढ़ना चाहिए, और पेस एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है उन बच्चों के लिए जो बाहर जा रहे थे। तो पेस के साथ पटना की 3 कंपनियां भी जुड़ चुकी हैं। पेस आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराती है उन युवाओं के लिए है जो युवा बिहार से बाहर जाकर आईआईटी मेडिकल की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के लिए आते हैं लेकिन सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन युवाओं के लिए पटना में भी अब पेश आ गया है और पेश के साथ पटना के 3 बड़े संस्थान भी जुड़ चुके हैं और संस्थानों के हमने डायरेक्टर से बात किया, इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर से बात किया, तो इन्होंने क्या पूछा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों पर जुड़े रहना था। धन्यवाद।